गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल अपन ने प्रश्नावली एक में परिमेय संख्याओं का योग घटा दोनों सीख लिया था, गुणा के सूत्र देखे थे। आज अपन गुणा के कुछ प्रश्न करते हैं कि परिमेय संख्याओं के गुणा किस प्रकार कर सकते हैं। तो उदाहरण तो दिया हुआ नहीं है, सीधा दिया हुआ है करो वह सिखों में एक नंबर चार गुणा माइनस एक बटा तीन, दो नंबर दिया है माइनस तीन बटा पाँच गुणा सात, तीन नंबर दिया है माइनस चार बटा पाँच गुणा माइनस तीन, चार नंबर दिया है माइनस तीन बटा सात गुणा दो बटा पाँच, दो और दिए हैं। पहले अपन चार सोल्व करते हैं, तो इनको देखिए गुणा करने, तो आपको चिन्ह वाला ध्यान रखना है, ये संख्या किसकी, प्लस की, गुणा माइनस, तो प्लस गुणा माइनस क्या होगा माइनस, फिर चार को एक से गुणा करना है, तो चार एकम चार बटा तीन, कितना उत्तर आ जाएगा माइनस का चार बटा तीन। इसको देखिए माइनस गुणा प्लस, तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का, सात तिया इक्कीस बटा पाँच। इसको देखिए माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, चार तिया बारह बटा में पाँच। इसको देखिए माइनस गुणा प्लस, तो क्या आ जाएगा माइनस, तीन दुनी छः और सात पाँचों पैंतीस, यानी ऊपर को ऊपर वाली से और नीचे वाली को नीचे वाली से गुणा कर लें। ये हो गए अपने करो और सीखो के चार। पांच नंबर दिया है दो बटा तीन माइनस माइनस एक बटा चार, छः नंबर दिया है माइनस तीन बटा दो गुणा माइनस का नौ बटा सात। तो इन दोनों के अपन गुणा करें, तो ये देखिए ये अब किस में है, इसमें देखिए माइनस गुणा माइनस दे दिया, क्या दे दिया माइनस गुणा माइनस दे दिया, तो क्या हो जाएगा माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा गुणा का चिन्ह होगा, क्यों, क्योंकि माइनस से फिर ये होगा और वो घटा वाला प्रश्न हो जाएगा, तो ये चिन्ह किसका है गुणा का है, तो प्लस गुणा माइनस क्या होगी माइनस, दो को एक से किया दो, चार को तीन से किया बारह, इस प्रकार होगा, तो बुक में सही कर लेना। इसका देखिए माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, नौतिया सत्ताईस और दो सत्ता चौदह, तो प्लस का सत्ताईस बटा चौदह। ये हो गए अपने गुणा के करो और सीखो। अब देखिए अपने पास परिमेय संख्याओं का आता है भाग, तो भाग अपन कैसे करेंगे, भाग में एक सूत्र का ध्यान रखना है और उस सूत्र से भाग में दी हुई दो परिमेय संख्याओं को अपन गुणा में सोल्व कर लेंगे और गुणा अपन ने अभी की थी उसी प्रकार अपन उसको हल कर लेंगे। कैसे, जैसे एक संख्या दे दी ए बट्टा बी परिमेय संख्या, दूसरी संख्या दे दी सी बट्टा डी के रूप की, यानी एक तो a बटा b के रूप की, दूसरी c बटा d के रूप की, तो अपन को दिया हुआ है सोल्व कीजिए a बटा b भाग c बटा d इस प्रकार से, तो अपन क्या करेंगे a बटा b के बटा में क्या आना चाहिए c बटा d, तभी तो भाग जाएगा किसी संख्या का, तो इसमें इन दोनों की गुणा और इसकी गुणा कर देंगे, यानी a गुणा में d बटा b गुणा में c, इस प्रकार से आ जाएगी अपने संख्या, और इससे अपन क्या कर लेंगे उसका मान निकाल लेंगे, जिससे अपना क्या हो जाएगा भाग हल हो जाएगा। अब अपन को भाग पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, तो देखिए अपन भाग के प्रश्न करते हैं। एग्जाम्पल नंबर चार दिया हुआ है माइनस का इक्कीस बट्टा आठ भाग आठ बट्टा तीन, इसको अपन को सोल्व करना, तो इसको कैसे लिखेंगे माइनस का इक्कीस बट्टा आठ बट्टा में आठ बट्टा तीन, तो इन दोनों की गुणा और इसकी गुणा, तो माइनस का इक्कीस गुणा तीन बट्टा आठ गुणा आठ, तो माइनस गुणा प्लस क्या आएगा माइनस इक्कीस बयालीस की तीन तिरसठ और आठों आठों चौंसठ, कितना उत्तर हो जाएगा माइनस का तिरसठ बटा चौसठ। अब इसी प्रकार इसमें दिया हुआ है करो व सीखो में पहला
माइनस सात बटा दो भाग चार। चार का ही भाग देना, अकेली संख्या अपन इसके बटा में कितना मान लेंगे, एक मान लेंगे, जिससे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो देखिए माइनस का सात बटा दो बटा चार बटा एक, इन दोनों की गुणा और इसकी और इसकी गुणा, तो माइनस का सात गुणा एक बटा दो गुणा चार, माइनस गुणा प्लस तो माइनस, सात एकम सात चार दुनी आठ, ये आ गया। दूसरा दिया हुआ है अपन को माइनस का बारह बट्टा सात भाग तीन बट्टा चार। तो देखिए माइनस का बारह बट्टा सात बट्टा तीन बट्टा चार आ जाएगा। अब इन दोनों की गुणा इसकी और इसकी गुणा, तो माइनस बारह गुणा चार बट्टा तीन गुणा सात। तो देखिए बारह चौके अड़तालीस, माइनस के अड़तालीस, सात या इक्कीस, ये कट रहे हैं तीन से, कितने यानी तीन से यहाँ पे भी काट सकते हो, तीन एकम तीन, तीन चौके बारह, तो अपन क्या लिख सकते हैं माइनस के सोलह बट्टा सात, या नीचे भी अपन काट सकते थे सोलह ती अड़तालीस और सात या इक्कीस, ये हो गया करोड़ सिक्कों का दो नंबर। करोड़ सिक्कों में तीन नंबर दिया हुआ है अपन को, पाँच बट्टा नौ भाग माइनस चार बट्टा पाँच, पाँच बट्टा नौ बट्टा माइनस का चार बट्टा पाँच, तो इन दोनों की गुणा और इसकी गुणा, तो ऊपर तो पाँच बट्टा पाँच, नीचे नौ गुणा माइनस चार, तो ये आ जाएगा पच्चीस बट्टा माइनस छत्तीस, माइनस ऊपर लिख दो चाहे या आगे लिख दो, तो माइनस का पच्चीस बट्टा छत्तीस, ये हो जाएगा अपना करोड़ सिक्कों का तीन नंबर। अब देखिए करोड़ सिक्कों के आगे दोबारा दिया हुआ है एक और करोड़ है सिक्कों में, क्या एक नंबर पांच बट्टा सात भाग पांच बट्टा सात। तो देखिए पांच बट्टा सात बट्टा पांच बट्टा सात, इन दोनों की गुणा और इसकी इसकी गुणा, पांच गुणा सात बट्टा सात गुणा पांच, सात से कट जाएगा सात, पांच से कट जाएगा पांच, कितना जाएगा एक। दूसरा दिया हुआ है माइनस नौ बट्टा चार भाग माइनस नौ बट्टा चार, तो माइनस के नौ बट्टा चार बट्टा में माइनस के नौ बट्टा चार, तो इन दोनों की गुणा इसकी और इसकी गुणा, तो माइनस के नौ गुणा चार बट्टा चार गुणा माइनस के नौ, माइनस के नौ से माइनस के नौ, चार से चार, कितना आ जाएगा एक। फिर तीसरा दिया हुआ है माइनस के सात बट्टा ग्यारह भाग माइनस के सात बट्टा ग्यारह, तो क्या हो जाएगा माइनस के सात बट्टा ग्यारह बट्टा माइनस के सात बट्टा ग्यारह, तो इन दोनों के गुणा इसकी और इसकी गुणा, तो माइनस के सात गुणा ग्यारह बट्टा ग्यारह गुणा माइनस सात, माइनस सात से माइनस सात, ग्यारह से ग्यारह, कितना आ जाएगा एक। ये अपन ने पढ़ लिया भाग, अपन ने परिमेय संख्याओं की चारों बातें पढ़ ली, कौन कौन सी, योग घटा गुणा और भाग, भाग है वो गुणा पे ही आधारित है। अब अपन अपनी प्रश्नावली की शुरुआत, सबसे पहले पहला प्रश्न है कि योगफल ज्ञात करो, यानी परिमेय संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। पहला दिया हुआ है पांच बट्टा दो प्लस माइनस के तीन बट्टा चार, ये वाली अपन को दे रखी। तो योग अपन ने शुरुआत में पढ़ा था, उसी तरीके से अपन को सोल्व करना है। तो दोनों का लघुत्तम दो कोमा चार, तो दो एक दो दो एक एक, दो दुनी चार, चार में दो का भाग दिया तो दो को गुणा करेंगे पाँच से, बीच में चिन्ह प्लस का, चार में चार का भाग दिया एक, एक को गुणा करेंगे तीन से, पाँच दुनी दस, तीन तो माइनस का जाएगा क्योंकि प्लस गुणा माइनस माइनस बट्टा चार, कितना आ जाएगा दस में से तीन गया सात बट्टा चार, ये आ गया अपना पहला। दूसरा देखिए, दूसरे में माइनस का दो बट्टा तीन प्लस माइनस के चार बट्टा पाँच प्लस पाँच बट्टा छः दे दिया। अब अपन को कितनी संख्याएं दे दी, तीन संख्याएं दे दी, अपन तीन संख्याओं का क्या निकालेंगे, लहसुन निकालेंगे। तो देखिए तीन पाँच और छः का लहसुन निकाला तो दो, तो तीन में जाएगा नहीं, पाँच में भी नहीं जाएगा, छः में चला गया तीन बार, फिर तीन का एक पाँच एक, फिर पाँच का एक एक एक, पाँच तीन पंद्रह दुनी तीस आ जाएगा। अब तीस में अपन तीन का भाग देंगे तो दस बार, तो दस को गुणा करनी है माइनस के दो से, बीच में प्लस,
तीस में पाँच का दिया छः बार, तो छः को गुणा करनी है चार से, प्लस तीस में छः का दिया पाँच बार, तो पाँच को गुणा करनी है प्लस के पाँच से, तो दस दुणी माइनस के बीस, प्लस गुणा माइनस माइनस, और छः चौके चौबीस, प्लस पच्चीस बट्टा तीस। अब आपको क्या करना है, पहले माइनस वाली संख्याओं को सोल्व कर लीजिए। माइनस का बीस और माइनस के चौबीस दोनों माइनस की संख्या है, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा, और कितनी हो जाएंगे चौवालीस, प्लस पच्चीस बट्टा तीस, कितने बचाएंगे, अब माइनस के चौवालीस प्लस के पच्चीस, बड़ी संख्या माइनस की, तो चिन्ह माइनस का, और चौवालीस में पच्चीस जोड़े तो माइनस के चौवालीस प्लस के पच्चीस, तो कितने आ जाएंगे माइनस के उन्नीस बट्टा में तीस। ये हो गया अपना दो नंबर। अब अपन देखते हैं तीन नंबर। तीन नंबर में दे दिया जीरो प्लस माइनस के दो बटा तीन, तो ये तो अपन को पता ही है, जीरो में कोई भी संख्या जोड़ो या घटाओ तो वही संख्या आ जाती है, तो प्लस गुणा माइनस क्या जाएगा माइनस, और दो बटा तीन। अब देखिए, अब अपन को चार नंबर में थोड़ी सी अलग संख्या दी हुई है, माइनस की दो सही एक बट्टा तीन, प्लस चार सही तीन बट्टा पांच। ये संख्या आपने छोटी क्लासों में सोल्व भी की होगी, उसी आधार पर इनको सोल्व करना है। माइनस का तो माइनस रहेगा, दो को तीन से गुणा करके एक इसमें जोड़ देंगे, तो दो तिया छः प्लस एक सात, सात बट्टा तीन, प्लस सेम इसको पाँच चौके बीस और तीन तेईस बट्टा में पाँच, ये आ जाएगी। अब ये अपनी वही संख्या बन गई, अब इसका अपन ले लेते हैं लघुत्तम, तो तीन कोमा पाँच, तो तीन का दिया एक पाँच, पाँच का दिया एक एक, तो पाँच दिया पंद्रह, पंद्रह में तीन का भाग दिया कितनी बार जाएगा, तीन पाँच बार जाएगा, तो पाँच को गुणा करेंगे माइनस के साथ से, पंद्रह में पाँच का दिया तो तीन बार तीन तेईस, तो सात पंजू पैंतीस, माइनस का प्लस तेईस दिया उनहत्तर बटा में पंद्रह। अब नौ में से पाँच गए चार, छः में से तीन गए तीन, चौंतीस बटा पंद्रह, किसके प्लस के, क्योंकि संख्या प्लस की बड़ी थी, तो चौंतीस बटा पंद्रह, ये था अपना चार नंबर। अब देखिए पांच नंबर अपन को दिया हुआ है माइनस का छः बट्टा पाँच प्लस माइनस के तेरह बट्टा सात, तो अब इसमें वही पाँच और सात का लघुत्तम लेंगे, पाँच कोमा सात का, तो पाँच एक सात, सात एक एक सात पंजू पैंतीस, तो पैंतीस में पाँच का भाग दिया सात गुणा के माइनस, पैंतीस में सात का दिया पाँच बार, तो माइनस के तेरह हैं, तो माइनस के बयालीस, प्लस गुणा माइनस माइनस, तेरह पंजू पैंसठ बट्टा पैंतीस, दोनों जोड़ेंगे दोनों माइनस के, तो माइनस का चिन्ह पाँच और दो सात, छः और चार दस बट्टा पैंतीस, कितना आ जाएगा माइनस का एक सौ सात बट्टा पैंतीस। इसमें पहले में छठा लास्ट दिया हुआ है माइनस का आठ बट्टा उन्नीस प्लस माइनस के चार बटे सत्तावन, तो देखिए अब दोनों का अपन लेते हैं लघुत्तम, तो उन्नीस और सत्तावन का, तीन का भाग जाएगा उन्नीस में नहीं सत्तावन में, उन्नीस फिर उन्नीस का एक और एक, तो उन्नीस दुनिया उन्नीस तीस सत्तावन, तो लैसा आ गया सत्तावन, सत्तावन में उन्नीस का भाग दिया तीन बार, तो तीन गुणा करेंगे माइनस के आठ से, प्लस सत्तावन में सत्तावन का एक एक को करेंगे माइनस चार से, तो आठ दिया माइनस के चौबीस, प्लस गुणा माइनस माइनस, चार एकम चार बट्टा सत्तावन, दोनों माइनस की तो माइनस उनतीस बट्टा सत्तावन। ये हो गया अपना पहला प्रश्न। अब आप एक काम करना, जितने भी आपको योग घटा गुणा और भाग दो दिन की वीडियो में सिखाए थे वो आप दोबारा देख के एक बार इनको तैयार कर लेना, कल अपन पूरी प्रश्नावली कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि कल अपने पास योग घटा गुणा भाग चारों चीज़ों एक साथ आएंगी।